मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के वाई जंक्शन पर और आपको बता दें कि श्रीन विला इमारत के सामने एक ठाणे महानगर पालिका का गार्डन था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गार्डन था वो गार्डन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और अब इस पे जो है कब्जा किया जा रहा है, यहाँ पर जो है भरने का काम किया जा रहा है। दरअसल जो व्यक्ति इस पे कब्जा कर रहा है उसका नाम सलीम मंसूरी बताया जा रहा है। दरअसल इस गार्डन को लेकर काफ़ी विवाद जो है सलीम मंसूरी और ठाणे महानगर पालिका के बीच में चल रहा था और इसको लेकर मामला कोर्ट में भी पहुंचा था और ये डिसीजन जो है कोर्ट ने ठाणे महानगर पालिका के हक में दिया था। लेकिन सलीम मंसूरी, जो अब हमें जानकारी मिली कि सलीम मंसूरी जो है इस फैसले से खुश नहीं थे, उन्होंने री अपील कोर्ट में किया है। ये सर्वे नंबर 93(1) है और यहाँ पर ठाणे महानगर पालिका का जो है गार्डन है और इस गार्डन को 2004 में बनाया गया था, जो समाजवादी पार्टी के उस वक्त नगर सेवक थे अबू सुफियान, उनके निधि से इस गार्डन का जो है निर्माण किया गया था। लेकिन ये गार्डन जो है इसे देख रेख इसकी सही तरीके से नहीं हुई। उसके बाद ये गार्डन धीरे धीरे, यहाँ पर जो झूले वगैरह लगे थे वो सभी झूले यहाँ से धीरे धीरे टूट गए और अब यहाँ पर भरनी की जा रही है, कब्जा किया जा रहा है। हालांकि इस गार्डन को लेकर जो है यहाँ के तमाम लोग जो है आवाज़ उठाए और जो यहाँ पर जो विरोधी पक्ष नेता थे शानू पठान, उन्होंने भी यहाँ का दौरा किया था और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर एक खूबसूरत गार्डन बनाया जाएगा। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गार्डन के बजाय भरनी किया जा रहा है और जो पूर्व नगर सेवक थे समाजवादी पार्टी के अबू सुफियान, वो यहाँ पर मौजूद है। हम उन्हीं से बात करेंगे कि ये जो ये गार्डन था 2004 में शायद आपके निधि द्वारा बनाया गया था, क्या कहेंगे आप इस गार्डन को लेकर? आप हालात देख ही रहे हैं कि कैसा हो गया है ये। एक्चुअल 2004 में महापालिका से गार्डन मैंने पास कराया था और मेरी निधि से बना था। उसका अमाउंट है 1,87,000। उसके सारे डिटेल्स है मेरे पास, पेपर है सारे, महापालिका ने बनाई थी और बाकायदा मेरा बोर्ड लगा हुआ था लेकिन रोड वाइंडिंग में वो बोर्ड गिर गया और उठा के लेके गए। तो ये सरकारी ज़मीन है, किसी के माल की ज़मीन नहीं है। और एक छोटा सा बच्चों के लिए खेलने के लिए मैंने बनाया था। मुमरा कौसा में तो एक गार्डन एक मैदान रहा नहीं, एक आवार साहब की मेहरबानी से स्टेडियम बन गया है। बाकी सब रिजर्वेशन पे कहीं इलीगली बिल्डिंग चालू है, सब चालू है, लेकिन ये गार्डन जो बच्चों का है इस पर भी वही मतलब बनाने को लोग सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्यूमेंट सारे मेरे हैं, मैं दिखा दूंगा। तो अभी आप क्या करेंगे इस गार्डन को दोबारा बनाने के लिए? आपके तरफ से कोई कदम, कोई पहल की जा रही है? मैं खुद अपने पैसे से बनाऊंगा इसको। महापालिका अगर फंड नहीं देती है, क्योंकि अभी महापालिका भंग हो गई है, तो मैं लेटर देंगे, वो लोग ने मुझे परमिशन देंगे तो गार्डन तो है, तो मैं खुद बना के ले लूँगा। यहाँ के कुछ स्थानीय नेता भी इसका दौरा किए थे यहाँ पे, ये मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे जब ये विवाद हुआ, अभी एक प्रहार टाइम्स ने न्यूज़ लगाया था तो मुझे पता चला, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया कि भाई ये मेरी निधि से बना हुआ, मेरा नाम लिखा हुआ है, तो मैं इस पर दूसरे को इलीगल कुछ करने नहीं दूँगा। आपको नहीं पता ये सलीम मंसूरी कौन है? नहीं, मुझे पता नहीं है सलीम मंसूरी कौन है। वो तो मैंने यहाँ सोसाइटी के लोगों को आवेश कर वीडियो देखा तो उनको आके मिला तो उन्होंने मेरे को बताया ऐसा ऐसा चल रहा है। जब आप नगर सेवक थे तो आपकी देख रेख 5 साल तक ये गार्डन की हिफाजत थी TMC? हाँ, अभी तक थी हिफाजत, मतलब ये जो जब रोड वाइंडिंग हुआ, नाले गटर बनी है, तब ये बाउंड्री टूटी है, तब तक हिफाजत में थी। इधर तो सामान लगे हुए थे सब, दो दो गेट थे, एक वहाँ पे गेट था कि यहाँ पर गेट था और खेलने बच्चों को खेलने के सब सामान थे। सोसाइटी वाले मेंटेन कर रहे थे थोड़ा बहुत जितना उनसे हो रहा था, महापालिका ने तो उसको मेंटेन किया नहीं। वो जैसे कि यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगाया गया है तो ये तो अदालत का कोई कार्रवाई चल रही है, तो उसको लेकर क्या करूँ? नहीं, अदालत की कार्रवाई, जमीन ही सरकारी है, किसी की माल की जमीन ही नहीं है, तो कोर्ट का ये बोर्ड अवैध तरीके से लगाया गया, अवैध तरीके से लगाया गया, इसके लिए आप क्या करूँ? इसके लिए मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है मैं वो पूरा शो करूँगा, महापालिका में जाऊँगा, बोलूँगा कि ये गार्डन को वापस बना के दो, फंड नहीं है तो मैं दूंगा। महापालिका के जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी दौरा किया और कहा कि हम इसे बनाएंगे, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हो रहा, वैसे ही है ये। अभी आप किस कौन से अधिकारी से बातचीत करेंगे? अभी एक्शन वो नहीं ले रहे, कि हो सकता है उनके पास फंड नहीं हो या एक्शन नहीं हो, तो सोसाइटी वाले या मैं जो हम लोग को राइटिंग में वो दे दें, हम बना लेंगे। अभी यहाँ पे भरनी चल रही है, उसको लेकर क्या करें?
भरनी चल रही है तो उसको रुकाएंगे, आप भरनी लेबल करके रखेंगे, हम तो रुकाएंगे, हम तो भरने नहीं देंगे। जब ये मामला आया तभी आप सामने आए, इससे पहले आप कहाँ थे? मुझे पता ही नहीं था ना, ये ऐसे ही पड़ा था। अब जो उसके बाद नहीं, ये मामला बहुत दिन से चल रहा है, कई बार इसके खबरें चल चुके हैं। मैं यहाँ पे था नहीं, बीच में बीमार भी था, जगह पे नहीं था, लेकिन कैसा है कि चलो मेरे जाने के बाद भी तो बहुत से नगर सेवक आए, उनका भी तो काम था कि इसको मेंटेन अपने कुछ फंड से कर सकते थे, किसी ने कौन से नेता ने किया। ये बात भी बिल्कुल सही है कि इनके जाने के बाद भी कई नगर सेवक आए, अगर उन नगर सेवकों ने इसकी देखभाल की होती तो ये गार्डन आज सुरक्षित होता और इसमें बच्चे आज खेलते हुए नजर आते। लेकिन इस गार्डन का दुर्भाग्य था कि किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और ये गार्डन जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर भरनी की जा रही है और इस गार्डन को लेकर जो ओवैस हैं वो लगातार जो है मनपा से पत्र व्यवहार भी करते हैं और इसे दोबारा मांगने की जो है बनाने की उन्होंने मांग भी की थी। और हम बात करेंगे ओवैस से भी कि जिस तरह से भरनी की जा रही है और उन्होंने कोर्ट में जो है रीअपील किया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग ने है ना अपने साइड से है ना लॉयर भी रखा है और हम उस पर प्रोड्यूस भी हुए थे, बिकॉज हमको अननेसेसरी ड्रैग करके हमारे ऊपर एक्सटॉर्शन का केस भी डाला है, प्लस क्रिमिनल केस प्लस सिविल भी डाला है, हम लोगों ने फाइट भी किया उसके लिए और हमारे फेवर में आया। तो और दूसरी चीज़ ये है कि आफ्टर डिगिंग इनटू मोर डिटेल्स हमको ये समझ में आ गया कि ये जो जगह है, ये जगह जो केस लड़ भी रहे हैं वो जगह का सेक्टर नंबर है ही नहीं है, ये किसी और जगह के ऊपर बोर्ड लगा के और इधर पे लगा रहे हैं। ये एक्चुअली सुफियान भाई के पास ये सर्वे नंबर कितना है? ये 931 है, 931 बहुत बड़ा है, लेकिन 931 के बाजू में खदान की लाइन है और इन्होंने जो सलीम मंसूरी जो है नामक व्यक्ति है, उन्होंने बोले खदान की जो लाइन है गवर्नमेंट की लाइन है, उस पर मैंने 1960 में एक झोपड़ा बनाया था जब वो पैदा भी नहीं हुए थे और जब से वो कब्जा करके बैठे। तो कोई भी कर्म लगाने से ऐसा नहीं होता है कि कब्जा हो जाए, ये कहीं ना कहीं मुझे सब लोग से रिक्वेस्ट है, मुमरा की पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर जागिए और ये हमारे बच्चों का हक है, मुमरा में गार्डन नहीं है। सब पॉलिटिकल पार्टी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप इसमें जाइए, इन्वॉल्व होइए। करंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, MLA साहब है, मैडम है, TMC ऑफिसर, इसके पहले भी जो विरोधी पक्ष नेता थे वो मनपा के अधिकारियों के साथ लश्कर के साथ यहाँ पर दौरा किया था और आपसे कहा था कि हम बनाएंगे, आप तब से आप उनसे मिले और पूछे कि इसको हालत क्या है? मैंने तो ये लेके खड़ा हो गया हूँ, मुझे तो लगता है कि किसी के पास फंड्स नहीं है तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा बाहर नाके पे पैसे मांगने के लिए, क्योंकि मुमरा की आबादी 12 लाख की, 1-1 रुपया देंगे तो भी गार्डन बन जाएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर बच्चे लोग की हक की बात है और पैसे की ज़रूरत हमेशा आता है कि पैसे नहीं है। इतने इवेंट्स होते हैं, इतने सारे बहुत सारे इवेंट्स करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, गार्डन खुद के सेक्टर का नहीं बना सकते, मुमरा में कितने गार्डन है मेंटेन करने के लिए? तो मुझे तो लगता है ये हमारे लिए शर्म की बात है कि किसी को हमको अभी बाहर लेडीज़ लोग को और बच्चे लोग को गल्ला लेके बाहर घूमना पड़ेगा कि भाई पैसे दे दो गार्डन बनाना है, क्योंकि हमारी TMC के पास तो पैसा नहीं, हमारे टैक्स का पैसा किधर जाता है हमको पता ही नहीं, तो ये मसला है। तो अभी मुझे तो लगता है नेक्स्ट स्टेप तो यही होगा कि हमारे कॉलोनी के बच्चे, हमारे आजू बाजू के बच्चे सब गल्ला लेके बाहर रोड पे खड़े रहेंगे और मुमरा में घूमेंगे कि भाई गार्डन के लिए पैसा दो। और जिस तरह से यहाँ पर पहले गार्डन था उसी तरह से ये लोग यहाँ पर दोबारा गार्डन की मांग कर रहे हैं। बहरहाल जो सलीम मंसूरी हैं उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है और सलीम मंसूरी भी अगर अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। क्या उनके पास इसके सबूत हैं, क्या दस्तावेज हैं, अगर वो हमसे संपर्क करते हैं तो उनका भी पक्ष हम आपके सामने रखेंगे। कैमरामैन विजय के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।